सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में डोरेमोन ड्राइंग के ऊपर कलरिंग करने वाला हूँ कैमलिन की ये एट्रेलिक पेंट से। और इससे पहले इस ड्राइंग की आउटलाइन ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो के लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो अभी ड्राइंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में कलरिंग कर रहा हूँ और कलर में यहाँ पर ज्यादा व्हाइट, थोड़ा थोड़ा करके ब्लू और ग्रीन कलर को यूज करके कर रहा हूँ। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बैकग्राउंड की लेफ्ट साइड में एक मोटा ब्रश को यूज करके कलर को मैं दे रहा हूँ। और जितना मैं राइट साइड में जाऊंगा उतना ही मैं व्हाइट कलर को ज्यादा यूज करते जाऊंगा। यानी बैकग्राउंड की लेफ्ट साइड में डार्क वैल्यूज को मैं दे रहा हूँ और राइट साइड में लाइट वैल्यूज को मैं दे रहा हूँ। और हाँ, ध्यान रखना हल्के हाथ से आप लोगों को शेडिंग करना है और एक ही लेयर में काम करना है, नहीं तो नीचे वो आउटलाइन छुप सकता है। ओके, नेक्स्ट बैकग्राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद और बैकग्राउंड सूख जाने के बाद जितना भी स्किन कलर है उसको देने के लिए मैं यहाँ पर कौन से कलर को मिक्स करके ये कलर में बना रहा हूँ वो आप लोग अभी ध्यान से देखो। और नोबिता सुनियो और सिजुका की फेस में ऑलमोस्ट सेम कलर होगी, बाकी जियान की फेस में उसी कलर के साथ थोड़ा ब्राउन कलर को मिक्स करके करना है। नेक्स्ट स्टेप अभी डिफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जितने भी एरिया में व्हाइट कलर से उन सब एरिया में सिंपली व्हाइट कलर से मैं कवर कर रहा हूँ। और हाँ, क्योंकि ये बेस लेयर है तो देखना एक बार कलर करने के बाद वो कलर थोड़ा फीका सा लगेगा, तो हमें ये बेस लेयर में जितना भी कलर करूंगा वो हर एक कलर हमें दो लेयर में देना है। यानी मान लो पहले आप लोग व्हाइट कलर से कलरिंग की हो तो वो व्हाइट कलर सूख जाने के बाद फिर से उसी एरिया में व्हाइट कलर से फिर से एक बार कलर करना है। और ये चीज हमें बेस लेयर में हर एक कलर में करना है। नेक्स्ट अभी इस ड्राइंग में जितना भी हेयर्स के एरिया है उसमें पहले ब्राउन कलर से कवर कर रहा हूँ। और ये कलर आप लोग ब्राउन कलर के साथ थोड़ा डीप येलो और थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स करके कर लेना। और ऐसे ही हमें पूरे ड्राइंग में जहाँ पर जो भी कलर है वो कलर हमें सिंपली करते जाना है। तो अभी आप लोग देखो मैं कहाँ पर कौन से कलर को मैं यूज कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। बाकी एक बार कलर करने के बाद सेकेंड टाइम देना मत भूलना, यानी सेकेंड लेयर देना मत भूलना बेस लेयर में। ओके, तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई है और अभी सेकेंड लेयर में हर एक कैरेक्टर के ऊपर पहले एक साइड में लाइट वैल्यूज को देना है और ऑपोजिट साइड में डार्क वैल्यूज को देना है। तो उसको करने के लिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो डोरेमोन ड्राइंग के ऊपर ब्लू एरिया में जिस कलर को मैं पहले बनाया था उसी कलर के साथ थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके मैं लाइट वैल्यूज को दे रहा हूँ। और एकदम से जो हाईलाइट में दे रहा हूँ उसको करने के लिए ज्यादा व्हाइट कलर को यूज कर रहा हूँ उसी कलर के साथ। और सेम अभी ऑपोजिट में बेस कलर के साथ थोड़ा और ब्लू कलर को मिक्स करके डार्क वैल्यूज को मैं दे रहा हूँ। और एक चीज आप लोग नोटिस करो, कलर ऐड करने के बाद जब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तब मैं एक सूखा हुआ ब्रश से कर रहा हूँ। और ऐसे ही हमें पूरे ड्रॉइंग में हर एक कैरेक्टर में डार्क वैल्यूज और लाइट वैल्यूज को देते जाना है। तो अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और कहाँ पर मैं कौन सी कलर को मैं यूज कर रहा हूँ वो आप लोग अभी ध्यान से देखो।
तो बस गए सारे करेक्टर के ऊपर लाइट वैल्यूज और डार्क वैल्यूज देना कंप्लीट हो गई है। और अभी जस्ट फिनिशिंग में एक जीरो साइज की ब्रश से और ब्लैक कलर को यूज करके हर एक करेक्टर में बॉर्डर देना है। बाकी देखो आप लोग अभी मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। तो बस गाइस फाइनली ये ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोग को ये ड्राइंग पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर से ठोकना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट मिलते हैं अभी किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।